हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम रेफरेंस में बात करें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स में क्लास 12 का, ठीक है। आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। तो इससे पहले कि हम सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ अब हम जानते हैं सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो एक बेसिक सी चीज़ है, आप मेटल और इंसुलेटर के बारे में तो जानते ही होंगे। मेटल के लिए अगर बेसिक मैं कहूँ कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इंसुलेटर आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर जो बेसिक जानता है फिजिक्स का, उन सबको पता है मेटल गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास होने देता है अपने से, और इंसुलेटर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है और इसलिए उसकी कंडक्टिविटी या इलेक्ट्रिसिटी उससे पास नहीं हो पाती, अगर सिंपल भाषा में कहें तो। अब सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी लाइ करती है मेटल और इंसुलेटर के बीच में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसकी कंडक्टिविटी लाई करती है मेटल और इंसुलेटर के बीच में। अब हम कुछ बेसिक जानते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। हमें ये तो पता चल गया कि उसकी कंडक्टिविटी ना ही मेटल जितनी होती है मगर इंसुलेटर जितनी कम भी नहीं होती है। तो अब क्या होते हैं सेमीकंडक्टर, कौन से प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उस बारे में हम बात करते हैं। सेमीकंडक्टर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक के नाम से ही आप जान सकते हो, इंट्रिंसिक मतलब होता है प्योर। अगर सिंपल भाषा में कहें तो इंट्रिंसिक मतलब होता है प्योर और एक्सट्रिंसिक मतलब होता है इम्प्योर। अब ये प्योर इम्प्योर क्या है, यहाँ पे इसे क्यों यूज़ किया गया है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। नॉर्मली जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, जो नेचर में जैसी फॉर्म में पाए जाते हैं, उसे प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। मतलब कि जो नेचर में जिस प्रकार में वो पाए जाते हैं, अगर उसी फॉर्म में हम उसे ले तो वो प्योर सेमीकंडक्टर कहलाएंगे। या बेसिकली सिलिकॉन और जर्मेनियम, आपने सिलिकॉन और जर्मेनियम का नाम सुना ही होगा। अगर आपने आईसी सर्किट के बारे में कुछ भी थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपने सिलिकॉन और जर्मेनियम का नाम सुना ही होगा, ठीक है। इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इनके आउटर, जैसे कि किसी भी एटम की सबसे आउटर लेयर पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें, उसको हम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो नॉर्मली इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो चार पाए जाते हैं, ठीक है। अभी हम इसमें डिटेल में बात नहीं कर रहे, पहले हम बेसिक ही बात कर रहे हैं। तो बेसिकली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप होते हैं, एन टाइप पी टाइप, जो हम फर्दर स्टडी करेंगे। अभी के लिए ये समझना ज़रूरी है कि इसके दो प्रकार हैं, एक है इंट्रिंसिक, एक है एक्सट्रिंसिक। नाउ अब हम पढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहीं और से नहीं आते, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ही बनाए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं। वो ये है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन, वो कोई प्रैक्टिकल यूज़ का नहीं रह जाता। मतलब वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता कि जिससे हम उसके कोई भी प्रैक्टिकल यूज़ कर सकें। तो इसलिए उसकी कंडक्टिविटी को थोड़ा सा इंक्रीज़ करने के लिए, जिससे हम उसे प्रैक्टिकली यूज़ कर पाएँ, इसके लिए हम उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। वो इम्प्योरिटी जब ऐड करते हैं तो उसकी क्या होती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, फिर वो प्रैक्टिकली यूज़ के लिए हमारे कैपेबल हो जाता है। जैसे कि हम आईसी सर्किट तो आप जानते ही हैं, जैसे कंप्यूटर में, या आप कभी ना कभी तो आपने आईसी सर्किट्स के बारे में सुना ही होगा। जैसे कंप्यूटर, बाकी सब चीज़ों में आईसी सर्किट यूज़ किए जाते हैं। हमारी ज़्यादातर टेक्नोलॉजी में आईसी सर्किट्स का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। तो उन्हें हम किसकी मदद से बनाते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की मदद से ही बनाते हैं, जो टू टाइप्स के होते हैं, जो यहाँ पे आपके बोर्ड पे दिखाया गया है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो जैसे कि हम एक बार रीड कर लेते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर फॉर्म्ड फ्रॉम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ही बनते हैं। अब वो बनते कैसे हैं, क्या प्रोसेस होती है? जो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी जिसे हम ऐड करते हैं, जैसे स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जिसे डोपिंग कहा जाता है, और प्रोसेस जिसके द्वारा ये इम्प्योरिटी ऐड की जाती है उसे डोपिंग कहा जाता है। अब ये समझ में आ गया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं,
या हम ये कह सकते हैं कि सेमी कंडक्टर जो इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर होते हैं उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर बनाते हैं इम्प्योरिटी ऐड करके। अब कैसे बनाते हैं, कौन से टाइप होते हैं, वो यहाँ हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर के दो टाइप होते हैं, एक होता है एन टाइप सेमी कंडक्टर और एक होता है पी टाइप सेमी कंडक्टर। एक बेसिक सी चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, एन टाइप सेमी कंडक्टर में हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं और पी टाइप सेमी कंडक्टर में हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो केमिस्ट्री पढ़ता है उसे पता ही होगा पेंटा ट्राई ये सब होते हैं क्या हैं रोमन ये नंबर्स के हिसाब से। पेंटावैलेंट मतलब पेंटावैलेंट होता है 5 और ट्राईवैलेंट मतलब 3। अब ये 5 क्या है, ये 3 क्या है, ऐसे एटम्स जिसके आउटर लेयर में मतलब जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आप कह सकते हो उसके एटम की जो आखिरी लेयर है वैलेंस लेयर है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो, और ट्राइवेलेंट मतलब जो एक एटम है उसके आखिरी लेयर पर 3 एटम हो तो वो ट्राइवेलेंट होगा। ठीक है, ऐसी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड की जाती है जिससे वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन सके, और ऐसी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड की जाती है जिससे वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन सके। अब हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं एन टाइप और पी टाइप के बारे में, इनके बारे में और जान लेते हैं कि क्या होते हैं, कैसे इनमें इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, किस प्रकार की और क्यों ऐड करते हैं। एन टाइप में हम थोड़ा पहले ही बता चुके हैं कि हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे कि आपके स्किन पे दिख रहा है। एन टाइप में हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, पी टाइप में हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ठीक है, अब पेंटावैलेंट क्या होता है, बात कर चुके हैं। पेंटावैलेंट मतलब 5, जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा आइटम जिसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। ट्राइवेलेंट क्या, ऐसा आइटम जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। अब हम स्टार्टिंग में मैंने एक बात कही थी कि सेमीकंडक्टर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होता है, 4। जैसे अगर दो बेसिक हम सेमीकंडक्टर ले लें, जर्मेनियम और सिलिकॉन, इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, 4। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी क्या करती है, इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या बना लेती है, बॉन्ड बना लेती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप लिखा है मेक बॉन्ड विथ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेमी कंडक्टर। अब क्या अब होता है, पेंटावैलेंट 5 है, 4 के साथ बॉन्ड बन गया, तो कितना बचा, 1, एक इलेक्ट्रॉन रिमेन रह गया। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो रह जाता है वो क्या करता है, कंडक्शन करता है। ठीक है, एन टाइप सेमी कंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं करंट के वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों, क्योंकि हर एटम के द्वारा जब जब बॉन्ड बनता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाते हैं, तो उससे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, तो इसलिए मेजॉरिटी कैरियर ऑफ करंट एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अभी यहाँ बेसिक हम बात कर रहे हैं, अभी थोड़ा और डिस्कस हम करेंगे जब हम फर्दर इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, अभी आपको बेसिक में इतना ही समझना है। ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, जिसमें हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ट्राईवेलेंट का मतलब क्या, जिसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटम हैविंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, अब सेमीकंडक्टर में कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4, 3 के साथ बॉन्ड बन रहा है, तो इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन खाली है। अब कहेंगे आप कि अरे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ही मेजॉरिटी कैरियर होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरी इम्प्योरिटी के द्वारा कैरी किया जाता है। ठीक है, अब इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फॉर्म सेमीकंडक्टर। अब क्या होता है, ये अगर 3 के साथ बॉन्ड बना ले तो चौथा जो इलेक्ट्रॉन बचता है वो दूसरे एटम के द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है, जिस वजह से एक कैविटी खाली रह जाती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है, तो जो कैविटी रह जाती है, खाली रह जाती है, उसे हम होल कहते हैं, इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल मेजॉरिटी कैरी। अभी ये एक बेसिक डिस्कशन है, अभी हम इसका डिटेल स्टडी और करेंगे। यहाँ पर आपके स्क्रीन पे अब एग्जांपल दिए गए हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के, दो एग्जांपल हैं एंटीमनी एंड आर्सेनिक। ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के तौर पे यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इनके आउटर लेयर पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी के तौर पर इंडियम और गैलियम को यूज़ किया जाता है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आज सेमीकंडक्टर के पार्ट फर्स्ट में इतना ही, आगे इसका डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.